एक समय की बात है, एक सारस और लोमड़ी में गढ़ी मित्रता थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी, पर सारस सीधा सादा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सारस मित्र के घर आया, लोमड़ी ने सूप बनाया था। उसने एक छिछली तस्तरी में सूप परोसा। लोमड़ी ने अपनी जीभ से चटकार भरकर सूप को भरपूर आनंद लिया, पर सारस मात्र अपनी चोंच का अगला भाग ही गीला कर पाया। उसे भूखा ही वापस जाना पड़ा। लोमड़ी ने कहा, क्षमा करना दोस्त, क्या तुम्हें सूप अच्छा नहीं लगा? सारस ने कहा, क्षमा मत मांगो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कल मेरे घर भोजन पर आना। सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर खाना खाने आई। सारस ने भी सूप बनाया था। उसने एक लंबी सुराहीदार गर्दन वाले बर्तन में सूप परोसा। लोमड़ी का मुंह भीतर जा ही नहीं पाया और वह किसी भी प्रकार सूप नहीं चख पाई और भूखी रह गई। सारस ने आराम से सूप पिया। लोमड़ी को अपने किए का फल मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप जिसके साथ जैसा करेंगे आपको भी वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसा को तैसा मिलता है।